आपके पास कोई भी सोलर पैनल बड़े हों या छोटे हों, आप इसके साथ ज्वाइंट करें और आउटपुट आप इससे बैटरी चार्ज करें और उसके बाद एसी का लोड भी चला सकते हैं। अगर आप 12 वोल्ट की चीजें चलाना चाह रहे हैं तो वो भी अच्छे से इसके ऊपर चल सकती हैं। काफी ज्यादा खूबसूरत और नए मॉडल आप जैसे देख सकते हैं, एनर्जी के नाम से ये आया है जी। अगर आप कहते हैं हमारी बिजली की बचत नहीं हो रही, वो वापडा से यानी कि हम सोलर लगाए हैं, कंट्रोलर आए दिन जल जाते हैं, वो तो इसमें हीट सिंक भी अच्छा लगा हुआ है। इसमें वो एक तो आपका वो कंट्रोलर नहीं खराब होने की टेंशन खत्म है, फिर इसके ऊपर ये हाइब्रिड है, जब सुबह का दिन होगा सूरज से चार्ज होंगी प्लेटें तो ये खुद ब खुद आपको वापडा को कटअप कर देगा, जो कि आपकी बिजली की यकीनी बचत है। और पूरे पाकिस्तान में चैलेंज के साथ कम रेट में आपको इंशाल्लाह MPPT इस दुकान से मिलने जा रहे हैं। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मियां अब्दुल्ला, तुसीं देख रहे हैं मियां टेक्निकल गुरु। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर साढ़े को पहले जड़े ओल्ड UPS आ उन्होंने असं हाइब्रिड के अंदर किदा कन्वर्ट कर सकीए, साढ़े को दो या तीन या चार सोलर पैनल ऑलरेडी जो घर मौजूद आ उन्होंने असं कि तरतीब ने इस्तेमाल करते हुए 220 का लोड चला सकीए। तो अज की वीडियो एंड तक जरूर देखियो, असं तुहाडे वास्ते कि चीज़ लै गए हैं वो तुहानू मुकम्मल इस वीडियो में तरीकाकार भी दसांगे कि कि चीज़ में तुम लगा अपने ओल्ड UPS को हाइब्रिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं सोलर पैनल तो देने फ्री बिजली बना सकते हैं। तो उमर भाई ने तुम्हारी मुलाकात करवाने तो देखते हैं इन्होंने को नयाब चीज़ आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल ठीक ठाक? उमर भाई आपने सवाल सुन लिया, काफी ज्यादा लोग कह रहे थे कि हमारे पास दो तीन सोलर पैनल डायरेक्ट चीजें हम 220 पे चला नहीं सकते, तो हमारे पास ओल्ड जो UPS है उसको हाइब्रिड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी चीजें हैं उसमें? अब्दुल्ला भाई हमारे पास ये आइटम है, ये एक तो प्रिंस का है, ये जो प्रिंस का है ये जरा हल्की क्वालिटी में ठीक है, यानी नॉर्मल क्वालिटी में जो सस्ते वाले में है ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं ये वाला है, इसमें हाइब्रिड भी है और ये सादा भी है। जो सादे वाला है इसमें ये आपको मिल जाएगा जनाब 8,500 रुपए का, हम आपको दे 8,500 में ये मिल रहा है। उमर भाई थोड़ी सी ना इसके बता दें कि ये इस्तेमाल किस पर्पज के लिए? ये अब्दुल्ला भाई ये कंट्रोलर है जिसने जिनके चार पैनल हैं, छह पैनल हैं, वो कहते हैं जी कि मिसाल लोगों का जी हम वोल्ट ज्यादा से एम्पीयर में तब्दील करके बैटरी को अच्छे तरीके से चार्ज करवाने हैं, एमपीपीटी के तरीके से। वो ऐसे मिसाल किसी के पास 550 वाट की पैनल है, वो 48 वोल्ट ओपन में है, 24 वोल्ट काउंट होता है, वो कहते हैं यार हमारे पास सिंगल बैटरी है, हमारा पैनल बेकार है, हम इसको क्या करें, इसको पैरेलल कराएं, अंदर से कनेक्शन कट करें, तो उनके लिए एक पैनल लगा के वो एक बैटरी के साथ इसको 12 वोल्ट साइड पे दिया हुआ बटन 12 वोल्ट लगाएं, बेशक 24 वोल्ट लगाएं, तो ये जब 24 वोल्ट की बैटरी होंगी दो बैटरी तो 24 वोल्ट पे कर दें वरना आप 12 वोल्ट पे कर दें। बेसिकली MPPT सोलर कंट्रोलर के नाम से ये कंपनी ने लॉन्च किया जी। बेसिकली इसका मकसद उमर भाई ने आपको बता भी दिया, आपके पास कोई भी सोलर पैनल बड़े हों या छोटे हों आप इसके साथ ज्वाइंट करें और आउटपुट आप इससे बैटरी चार्ज करें और उसके बाद AC का लोड भी चला सकते हैं। अगर आप 12 वोल्ट की चीजें चलाना चाह रहे हैं तो वो भी अच्छे से इसके ऊपर चल सकती हैं। तो उमर भाई ने काफी ज्यादा डिस्काउंट के अंदर ये रेट बता दिया, उसके बाद उमर भाई कौन सा मॉडल आ रहा है? ये हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके बाद ये पार्कटेक है, ये बहुत कामयाब कंट्रोलर है और इसमें कंप्लेन भी जीरो है। असल में हमने ये पहले मोबाइल आपके हुए हैं अब्दुल्ला भाई, फिर हमने ये इसके ऊपर सारे टेस्टिंग की है, सेल की है, इसका रिजल्ट देखा है, बिल्कुल ठीक है। तो रिजल्ट देखने के बाद जो कमी पेशी थी वो निकाली है, निकाल के फिर हमने अब इसमें जब सली बख्शा है बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने इसके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ये भी 12-24 वोल्ट में, ये 12-24 दोनों में है भाई, इसकी स्पेसिफिकेशन साइड पे लिखी हुई है ठीक है जी। और ये हाइब्रिड भी है इसमें और इसमें सादा भी है, बिल्कुल ठीक। जो हाइब्रिड वाला है ये भी आपको मिल जाएगा और जो सादा है वो भी आपको मिल जाएगा। ये जो है ये आपको यानी मिसाल के तौर पर जो आपका पुराना UPS लगा हुआ है, अगर आप कहते हैं हमारी बिजली की बचत नहीं हो रही, वो वापडा से यानी कि हम सोलर लगाए हैं, कंट्रोलर आए दिन जल जाते हैं, वो PWM वाले हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इसमें हीट सिंक भी अच्छा लगा हुआ है। इसमें वो एक तो आपका वो कंट्रोलर खराब होने की टेंशन खत्म है, फिर इसके ऊपर ये हाइब्रिड है, जब सुबह का दिन होगा सूरज से चार्ज होंगी प्लेटें तो ये खुद ब खुद आपको वापडा को कटअप कर देगा, जो कि आपकी बिजली की यकीनी बचत है, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। और रात जब रात होगी अंधेरा होगा बैटरी आपकी डिस्चार्ज यानी कि खत्म होने की होगी, ऊपर से सोलर कट ऑफ हो जाएगा, फिर ये खुद ब खुद उसको चार्ज करवाएगा। तो भाई एक दफा फिर बता दें भाई, ये आपको 12,000 में मिलेगा, बिल्कुल ठीक है जी, 12,000 में मिलने जा रहा हाइब्रिड, बिल्कुल। मार्केट में आपने देखा होगा लोग 18,000 के नाम से हैं, 17,000, 16,000, बिल्कुल सब वो लूट रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मुनासिब कीमत होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कस्टमर को जहाँ से जितना से ज्यादा हमारी कोशिश है रिलीफ मिले वो दें, बिल्कुल ठीक है जी। पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन डिलीवरी भी आपको इंशाल्लाह ये भी मिलने जा रहा है और पूरे पाकिस्तान में चैलेंज के साथ कम रेट में आपको इंशाल्लाह MPPT इस दुकान से मिलने जा रहे हैं। हम ये भी कस्टमर को बता दे, देखें हमारी वीडियो मुकम्मल देखा करें, उसमें अवेयरनेस आपको आ जाएगी, हमने इसको इसके ऊपर क्या चलना है क्या नहीं चलना है आपको पूरा तफसीलें समझा दिया है, बिल्कुल ठीक। आप कोशिश करें कि वीडियो देखें, बिल्कुल ठीक, और वीडियो देखेंगे आपको इसी में सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब मिसाल के तौर पर किसी के अगर 6 पैनल लगे हुए हैं 150 वाट वाले तो वो 12 वोल्ट पे रख के भी चला सकता है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने इसको 24 वोल्ट में इस्तेमाल करना है तो ये आपका 2,000 वाट का इस्तेमाल बनेगा, ठीक है। अगर आपने इसको 1,000 वाट में इस्तेमाल करना है तो वो 12 वोल्ट
12 वोल्ट में होगा जी। जिसके पास दो बैटरी है वो भी इंशाल्लाह इसको रन कर सकता है अच्छे से, जिसके पास सिंगल बैटरी है वो भी इसको साथ अपनी बैटरी के साथ चार्ज के तौर पे लगा सकता है। तो छोटे सोलर पैनल, उम्र भाई कितने वोल्टेज से ये शुरू होता है? 30 वोल्ट से 100 वोल्ट तक। बिल्कुल ठीक है जी, 30 वोल्ट से शुरू करके 100 वोल्ट के अंदर आप कितने भी पैनल लगा सकते हैं। ये कितने कितने एम्पेयर में आ रहा है? 65 एम्पेयर में है जी। वो पहले वाला जो हमने वो दिखाया आपको, ये वाला 60 एम्पेयर में था। ठीक है जी। अब ये हम आपको आगे जो दिखा रहे हैं ये 80 एम्पेयर में है, निट्रा गोल्ड के नाम से। बिल्कुल ठीक है। इसमें भी हाइब्रिड भी है और सादा भी है। और ये 80 एम्पेयर में है, इसमें आपने अगर जब हाइब्रिड लेना है तो हाइब्रिड है वो, उसकी प्राइस 11,500 है। और जब आपने इसमें सादा लेना है तो इसके भी फंक्शन तो सेम है, जैसे बिल्कुल, बिल्कुल, जो सादे से मुराद ये है कि उसमें वो हाइब्रिड नहीं, यानी कि ऑटोमेटिक वो बिजली बंद नहीं करेगा, आपको खुद सुबह को बंद करनी पड़ेगी या रात को ऑन करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है जी। या आप ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के वाबड़ा है ही नहीं वो हाइब्रिड ना ले वो सादा ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, बचत हो जाएगी। सिर्फ बैटरी चार्जिंग के लिए अगर सोलर पैनल से आप लेना चाह रहे हैं तो वो हाइब्रिड लेने की जरूरत नहीं है। उमर भाई डिफरेंट कितना है हाइब्रिड में और सादा में? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 2000 रुपए का डिफरेंस जी। आप दे सकते हैं जी, हमारे पास ये तीन है आपको दिखा दी है जी। इसके बाद जो आ रहा है हमारे पास लेटेस्ट मॉडल, खूबसूरत है ये मॉडल भी, अच्छा है, काफी खूबसूरत है। और ये चौथा मॉडल है, ये एनर्जी के नाम से है, ये भी अच्छा है, 12-24 में है। और जैसे आपको सारे फंक्शन बताए हैं इसमें, लेकिन सिर्फ सादा ही आया, अभी हाइब्रिड आ जाएगा जी। ये जो है ये आपको मिलने वाला है जनाब 9,200 रुपए में। 9,200 रुपए में जी, काफी ज्यादा खूबसूरत और नए मॉडल आप जैसे देख सकते हैं, एनर्जी के नाम से ये आया है जी। उमर भाई ये कितने एम्पीयर में? 60 एम्पीयर में। बिल्कुल ठीक है जी। इसके ऊपर इंडिकेटर चलेंगे इधर जी? बिल्कुल, ये जो मॉडल है आपको ये 65 एम्पीयर में है, हमारे पास ये 80 एम्पीयर में दस्तयाब है, और ये जो है ये 60 एम्पीयर में है। ये तीन मॉडल जो है हमारे पास क्वांटिटी में मौजूद है, और एक मॉडल जो हमने आपको अंदर दिखाया भी है छोटा, वो हमारे पास थोड़ी सी क्वांटिटी कम है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी आ जाएगी। पूरे पाकिस्तान में जिस भाई को भी जरूरत है हम बिल्कुल आपको डिलीवरी करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। काफी ज्यादा लोगों जो सवाल थे इस वीडियो में खत्म हो गए कि ओल्ड यूपीएस को हाइब्रिड के अंदर कन्वर्ट करके आप एसी लोड कैसे चला सकते हैं जी। ये एमपीपीटी उमर भाई हमारे लिए ले आया जी, काफी ज्यादा ये भी चीजें दिखाने वाली थी मार्केट के अंदर, तो मैंने कहा कि सोलर पैनल के बाद आपको अगली वीडियो जो है ये खुशखबरी दे दी जाए। जिन भाइयों के पास गुंजाइश नहीं है कि मिसाल के तौर वो इतना वो खर्चा दोबारा से करें, इतने महंगे वो 80,000 लाख वाले इन्वर्टर लें, तो वो उनका वो फिलहाल वो अगर स्टार लेना चाह रहे हैं, डर रहे हैं पता नहीं सोलर काम करता है नहीं करता, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो रिस्क लेने के बजाय वो ये लगाएं। आपको जब पता लगे कि वाकई हाँ यार इसमें तो बहुत बेनिफिट है, तो फिर हमारे पास ये यूनिक तो है ही। हाँ बिल्कुल जी। एक दफा उमर भाई आपको अपना एड्रेस बता देते हैं जी, जो नए नाजरीन है उनको पता नहीं। बिल्कुल, हमारे ये घंटाघर वाली साइड से जब आते हैं बुआना बाजार के आगे आता है मछली वाला गोल, उसके सेंटर में हमारी शॉप है अल मक्का सोलर के नाम से। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अच्छे से कमेंट भी कर दिया करें। तो आज की वीडियो इतनी थी, अगली वीडियो तक हम इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।